यूपी के सहारनपुर के मोहल्ला मुफ्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी मोहल्ले में हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज के मौलाना साद की ससुराल है, जहां से मोहल्ले के मौलाना और उनके भाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने मोहल्ले को पूरी तरह सीज कर दिया है। दोनों पॉजिटिव मरीज हाल ही साउथ अफ्रीका से लौटे थे और मौलाना साद के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मुझे अभी जो बताया गया है कि उनके जो रिश्तेदार हैं, एक कोई रिश्तेदार हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो इस समय जो कोविड लेवल 1 हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट हैं। सर, कौन सा एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते थे और उसके बाद क्या प्रशासनिक और क्या नहीं, ये एरिया जो मुफ्ती शायद उसको कहा जाता है, और वो एरिया जो है हम लोगों ने उसको हॉटस्पॉट के रूप में जो है वो चिन्हित किया है, और वहाँ पूरी हम लोग जो भी कंटेनमेंट की कार्रवाई है वो कंटेनमेंट की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। सर, ये पता कैसे चला कि ये वहाँ गए थे निजामुद्दीन एरिया में? और इसके अलावा वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में और लोगों में ज़्यादा आवाजाही कर रहे थे। देखिए, इसमें जो है जो भी पुलिस ने अपने सर्विलांस के जो है माध्यम से और उनके मोबाइल की CDR जो है निकलवा कर उसके आधार पर उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो जो है वहाँ पर निजामुद्दीन की मरकज़ में जो गए थे, और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन कराया, उनका टेस्ट कराया गया, टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं। सर, इससे पहले जब तक ये बात सामने नहीं आई थी कि ये लोग मरकज़ क्षेत्र में गए थे, निजामुद्दीन लोग रुके थे, सुनने में आया कि लोग सोशली जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमा है लोगों ने? नहीं, जो भी देखिए ऐसा है कि ये सब हम लोगों की जानकारी में अब जो है जो चीज़ें आ रही हैं, जैसा जैसा डेवलपमेंट है, तो जब ये पॉजिटिव आ गए हैं तो उसमें इनके जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके घर वाले जो लोग हैं और जिनसे इनका मिलना जुलना ज़्यादा रहा है पिछले 15 दिनों में, उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन कराने की और उनको हम उनके सैंपल लेकर उनको टेस्टिंग कराने की कार्रवाई